हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के संजेश मोटर लाइव यूट्यूब चैनल में। आज हम हिमालयन का फ्रंट व्हील खोलना सिखाऊंगा मैं आपको। तो फ्रंट व्हील खोलने के लिए आपको ये 24 mm का जो बोल्ट लगा है इसको आपको लूज़ करना है पहले, फिर उसके बाद में उस साइड इसके अंदर एलंगी का स्क्रू है, ये नीचे की तरफ देखिए एलंगी का स्क्रू है, इसको आपको लूज़ करना है। पहले वो बोल्ट खोलना है फिर एलंगी का स्क्रू खोलना है। कैलीपर खोलने की ज़रूरत नहीं है, कैलीपर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो ही खोलना है, वरना कैलीपर खोलने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा बिना कैलीपर खोले कि व्हील कैसे खोलना है। तो इसमें जो बोल्ट है इसमें 24 mm का स्पैनर लगेगा और जो एलंगी का स्क्रू है उसमें ये 6 mm की एलंगी लगेगी इसमें। तो सबसे पहले आपको 24 mm वाला बोल्ट लूज़ करना है, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। ये बोल्ट मैंने पहले ही लूज़ कर लिया है। तो देखिए बोल्ट मैं खोल लेता हूँ इसको हाथ से, और फिर एलंगी वाले नट को आपको बाद में खोलना है। पहले बोल्ट लूज़ करना है, उसके बाद में आपको एलंगी वाला बोल्ट खोलना है। मैं एलंगी वाला बोल्ट खोल लेता हूँ एलंगी की मदद से। वो मैंने खोला नहीं था, वो टाइट था उसके बाद उसको, कि मैंने बोल्ट पहले खोला था इसलिए। तो ये बोल्ट मैंने खोल लिया है। अब बोल्ट खोलने के बाद में आपको एक्सल को ठोकना है किसी चीज़ से, ये देखिए मैं स्पिनर से हल्का सा ठोक लेता हूँ फिर, ताकि आप उसको पकड़ सके और ये पीछे से किसी को बोल दे कि बाइक दबा ले या नीचे उसके नीचे स्टैंड लगा दे, नहीं तो बाइक सारा वेट आगे की तरफ है बाइक का, तो इसलिए बाइक आगे की तरफ आ जाएगी। तो पीछे तो देखिए मैंने व्हील खोल लिया है। व्हील खोलना ईजी है बट व्हील लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो व्हील लगा लेता हूँ मैं। व्हील मैंने इसलिए खोला तो क्योंकि पंचर बनवा रहा था, पंचर मैंने सब कुछ बनवा लिया है, अब व्हील लगा देता हूँ इसमें। तो व्हील लगाने से पहले आपको कैलिपर है आपका, कैलिपर में जो डिस्पैड है उनके बीच में गैप अच्छे से होना चाहिए। अगर गैप आपको कम लग रहा है तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप पिस्टन दबा के गैप बना सकते हैं ताकि डिस्प्लेट हमारी उसमें चल जाए। तो सबसे पहले डिस्प्लेट को हल्का सा उसमें अटका ले, उसके बाद आपका देखिए डिस्प्लेट मैंने हल्की से अटका लिए, उसके बाद आपका जो स्पीडो सेंसर है उसको अच्छे से माउंट कर ले। उसके कट में उसके अंदर दो क्लिप्स होती है, वो उस कट के अंदर स्लॉट के अंदर बैठनी चाहिए। उसके बाद आपका जो राइट साइड में जो डिस्टेंस है उसको लगाना है आपको, और एक्सल को आप हाफ फंसा ले थोड़ा सा फिर, ताकि जिससे क्या होगा कि आपको एक्सल को लगाने में, उठा के लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एक्सल को पहले ही फंसा लिया है। तो आपको बस उसका ध्यान रखना है, जो स्पीडो सेंसर लगा है आपका वो अच्छे से माउंट होना चाहिए। वो अच्छे से माउंट नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। तो स्पीडो सेंसर माउंट करने के बाद में आपको इसका एक्सल बस अंदर की तरफ ठोक देना है व्हील के अंदर। देखिए व्हील के अंदर ठोकने के बाद में आपका व्हील लग गया है। तो बस इतना ही सिंपल था इसका व्हील लगाना, और आपको बस इसके अब एलिंकी वाला स्क्रू टाइट कर देना है। सबसे पहले एलिंकी वाला स्क्रू टाइट करना है, उसके बाद आप उसका 24 mm वाला जो नट है उसको टाइट करना है। नट ये सब कुछ टाइट होने के बाद में व्हील को रोटेट करके देख ले कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना। ये देखिए 24 mm का बोल्ट मैंने टाइट कर दो, फुल टाइट करना है आपको। इसमें आपको कैलिपर खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कितना ईजी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।